हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन रेसिपीज ट्रेजर। आज हम बनाएंगे इडली डोसा उत्तपम का बैटर। इस बैटर को हम घर पे बहुत ही आसान तरीके से आज बनाना सीखेंगे। इस बैटर को हमें 12 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना है। फर्मेंटेड फूड के हमारे लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, ये हमें वेट लॉस में हेल्प करता है, ये लो कैलोरी है एकदम, और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें बैटर बनाने में हेल्प करेंगे। इडली और डोसे का बैटर बनाने के लिए हमको चाहिए 2 कप इडली राइस, 1 कप उड़द की दाल, 2 चम्मच चने की दाल, 4 चम्मच हमको पोहे और 1 चम्मच छोटा चम्मच हमको दाना मेथी चाहिए। ये सब हम अलग अलग भिगोएंगे। अब हमारी सब चीज़ें भीगकर एकदम तैयार है। चावल, दाल, चने की दाल, दाना मेथी, चारों चीज़ें भीगकर एकदम तैयार है। अब हम इनका पानी अच्छे से निकाल देंगे और फिर उड़द की दाल, चने की दाल और दाना मेथी को एक साथ पीसेंगे और पोहे और चावल को हम एक साथ पीसेंगे। इसमें हमें पानी बहुत थोड़ा ही डालना है। हमने इन चावल का पानी निकाल दिया है और इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है और हमने इसके साथ पोहे भी डाल दिए हैं। इसके अंदर अब हम आधा कटोरी पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। हमारा चावल और पोहे का बैटर एकदम तैयार है। ये देखिए ये कितना स्मूथ है। इसके अंदर हमको 1.5 कप पानी का यूज़ हुआ है। अब हम इसको भगोने में खाली कर लेंगे। अब इस दाल का पानी हमने निकाल दिया है और इसको मिक्सर ग्राइंड में डाल दिया है पीसने के लिए। इसमें हमने चने की दाल, उड़द की दाल और दाना मेथी तीनों डाल दी है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे और हम इसको अब अच्छे से पीस लेंगे एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह। अब हमारा उड़द दाल, चना दाल और दाना मेथी का बैटर एकदम तैयार है। इसका कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ा होना चाहिए। इसमें भी लगभग 1.5 कप पानी का यूज़ हुआ है। और अब हम इस बैटर को चावल के बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे उसी भगोनी में। अब हमने चावल के बैटर के साथ दाल का बैटर भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फर्मेंट होने के लिए 12 घंटे के लिए इसको ढककर साइड में रख देंगे। हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम कल सुबह जब इसमें बनाएंगे तब डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा बैटर एकदम तैयार है। पूरे 12 घंटे हो चुके हैं और देखिए कितना अच्छा फर्मेंटेशन इसमें हुआ है। अब हम इससे बनाएंगे इडली और क्रिस्पी डोसे।